एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल, दिस इज़ मानसी। तो आप लोगों से इस तरह आके हर हफ्ते मिलना मेरी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा बन चुका है। और पता है मेरे पूरे हफ्ते का सबसे अच्छा टाइम कौन सा होता है? वो तब होता है जब मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, क्योंकि जैसे ही मैं वीडियो डालती हूँ आप लोगों के इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स और इतने सारे कमेंट्स आने लगते हैं कि बिल्कुल मेरा पूरा दिन बन जाता है। तो आप लोग जब इतना कुछ करते हो तो फिर मेरी भी जिम्मेदारी बनती है कि मैं भी आप लोगों के लिए हर हफ्ते अच्छे अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँ। और मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं कुछ ऐसे DIYs लाऊं जिनमें कुछ नयापन हो, क्योंकि हर हफ्ते एक ही जैसे DIYs और एक ही टेक्निक्स यूज़ करूंगी तो आप लोग भी बोर हो जाओगे और उसको बनाते बनाते मैं भी बोर हो जाऊंगी। तो आज भी मैं कुछ इसी तरह के नए DIYs लेके आई हूं। बट बिफोर वी स्टार्ट, मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को हिट करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियोस लाती हूँ उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। एंड नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ ये कार्डबोर्ड, और इसके ऊपर सबसे पहले मैं एक फिगर ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक्चुअली मैं इस पर एक बर्ड जैसी आउटलाइन ड्रॉ कर रही हूँ। तो एक इस तरह का शेप मैंने ड्रॉ किया है और अब मैं इसको कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं एक हॉबी नाइफ़ यूज़ कर रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं इसको इस तरह से कट कर लूँगी। तो इसी तरह से मैंने तीन और पीसेस रेडी कर लिए हैं, यानी कि टोटल चार पीसेस हमें कट कर लेने हैं और इन चारों पीसेस को हम एक दूसरे के ऊपर पेस्ट कर देंगे। अब क्योंकि बाद में हमें इसे वर्टिकली रखना है तो इसका बेस स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, उसके लिए मैं यहाँ पर कई सारे कार्डबोर्ड्स पेस्ट कर दूँगी। तो DIYs को स्ट्रॉन्ग बनाने के तो बहुत सोल्यूशन है हमारे पास, लेकिन हम अपने बालों को भी इतनी ही आसानी से स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और आप में से कुछ लोग मेरे हेयर केयर रूटीन के बारे में भी कई बार पूछ चुके हैं। तो हेयर केयर रूटीन का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है रेगुलर ऑयलिंग। बट कई बार क्या होता है कि रेगुलर ऑयलिंग के पॉजिटिव रिजल्ट आने में कई हफ्तों का या फिर कई महीने का भी टाइम लग जाता है। तो इसका एक बहुत ही अच्छा सलूशन है मामा अर्थ के हेयर ऑयल बूस्टर्स, जो कि हेयर ऑयल की इफेक्टिवनेस को बढ़ाते हैं और इसके रिजल्ट भी काफ़ी जल्दी देखने को मिल जाते हैं। तो मैं अनियन हेयर ऑयल बूस्टर की 6 to 7 ड्रॉप्स लेके अपने जो रेगुलर ऑयल है उसमें मिक्स कर लूँगी और फिर मैं इसको अप्लाई करूँगी अपने स्कैल्प और हेयर पे और अच्छे से मसाज करूँगी। इट कम्स विद 5 times पावर ऑफ अनियंस विच रिड्यूसेस हेयर फॉल एंड प्रमोट्स हेयर ग्रोथ। तो इसमें है अनियन ऑयल विच इज़ रिच इन सल्फर, जो कि स्प्लिट एंड्स और हेयर फॉल को रोकता है। इसके अलावा इसमें है रिडेंसिल, जो कि हेयर फॉलिकल्स को नरिश करता है। अश्वगंधा ऑयल विच इज़ रिच इन अमीनो एसिड्स एंड एंटीऑक्सीडेंट्स एंड इट स्ट्रेंथेंस द हेयर। और भृंगराज ऑयल, जिसमें होता है विटामिन ई, और ये हेयर को स्ट्रेंथन करता है और हेयर ग्रोथ में भी हेल्प करता है। अनियन ऑयल के अलावा मामा अर्थ के हेयर ऑयल बूस्टर 3 और इंग्रेडिएंट्स में भी अवेलेबल हैं, जो कि है टी ट्री हेयर ऑयल बूस्टर फॉर डैंडर फ्री हेयर, राइस हेयर ऑयल बूस्टर टू रिपेयर डैमेज्ड हेयर एंड आलमंड हेयर ऑयल बूस्टर टू इम्प्रूव हेयर टेक्स्चर। और ये हेयर ऑयल बूस्टर्स नॉन स्टिकी और लाइट वेट फार्मूला के साथ आते हैं, और अगर आप रेगुलर बेसिस पे भी इन्हें यूज़ करते हैं तो भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि ये मेड सेफ सर्टिफाइड है, यानी कि इसमें कोई भी टॉक्सिन्स और हार्मफुल केमिकल्स नहीं है, जस्ट द गुडनेस ऑफ नेचर। तो मसाज करने के बाद आप इसको कुछ घंटों के लिए छोड़ दीजिए, या फिर आप इसको ओवरनाइट भी लगा के रख सकते हैं और नेक्स्ट डे आप इसको शैम्पू से वॉश कर लीजिए। तो मामा अर्थ की सबसे अच्छी बात यह है कि जब भी आप इससे कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो दे विल लिंक योर ऑर्डर ऑन देयर वेबसाइट टू अ ट्री दैट दे प्लांट, एंड बाय 2025 मामा अर्थ इज एमिंग टू प्लांट 1 million ट्रीज एज अ पार्ट ऑफ दिस इनिशिएटिव। मामा अर्थ के प्रोडक्ट अमेजोन, नाइका, मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे भी अवेलेबल हैं, और अभी इन्होंने अपनी ऑफिशियल ऐप लॉन्च की है जहाँ पे यूजर्स को मिलेगा अर्ली एक्सेस टू सेल्स और एक्स्ट्रा डिस्काउंट्स। और मेरा कूपन कोड MH2022 यूज़ करने पे यूज़र्स को मिलेगा 20% का डिस्काउंट, जो कि सिर्फ मामा अर्थ की वेबसाइट और ऐप पे ही एप्लीकेबल है। और अब मैं ले रही हूँ यहाँ पे कुछ टिश्यू पेपर्स, और फेविकॉल में मैंने पानी थोड़ा सा मिक्स कर लिया है और टिश्यू पेपर के छोटे छोटे पीसेस को लेके मैं कुछ इस तरीके से पेस्ट कर दूँगी। तो ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जो इसकी एजेस हैं वो इतनी क्लीन नहीं दिख रही हैं, तो उसको कवर करने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। वैसे नॉर्मली मैं मास्किंग टेप यूज़ करती हूँ, बट आज मैंने सोचा कि चलो टिश्यू पेपर से इसको कवर करके देखते हैं कि रिज़ल्ट कैसा रहता है, और रिज़ल्ट इसका काफ़ी बेटर था मास्किंग टेप के कंपैरिजन में। तो अब मैं क्या करूँगी कि मैंने वॉल पुट्टी और पानी का पेस्ट बना लिया था और उसकी एक लेयर मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूँगी और अच्छे से इसको ड्राई हो जाने दूँगी। तो ड्राई होने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है, और अब बारी है इसको पेंट करने की।
तो मैंने एक ऐसा मड जैसा कलर मिक्स एंड मैच करके बना लिया है और उसी को मैं इसके ऊपर अप्लाई कर दूंगी। मतलब कि थोड़ा सा वुडन जैसा इसका लुक आना चाहिए। वैसे इट्स टोटली योर चॉइस कि आप कौन से कलर में इसको पेंट करना चाहते हो। आप इसको कलरफुल भी बना सकते हो, बट मैंने सिंपली इसको थोड़ा सा वुडन लुक दिया है और मैं ब्लैक कलर लेके इसके ऊपर कुछ इस तरीके के पैटर्न्स ड्रॉ कर रही हूँ। तो बस ब्लैक एक्रीलिक कलर लेके मैं यहाँ पे रैंडम पैटर्न्स और डिज़ाइंस यहाँ पे ऐड करते जा रही हूँ और इसको पूरी तरीके से मैं कुछ इसी तरह पैटर्न्स बना के कवर कर दूँगी। एंड बहुत ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, जो भी रैंडम पैटर्न्स आपके दिमाग में आते हैं वो बना के आप इसको कवर कर दीजिए पूरी तरीके से। तो एक मैंने बर्ड रेडी कर ली है और इसी तरह दूसरी बर्ड भी रेडी कर लूँगी। और आज के सारे ही DIYs कुछ ऐसे ही थीम पे बेस्ड है, मतलब मैंने ब्लैक कलर को यूज़ करके कुछ ऐसे ही रैंडम पैटर्न्स बनाए हैं और ये रहा इसका फाइनल लुक। सो नेक्स्ट DIY के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ कुछ कॉफ़ी स्टिरर स्टिक्स और आप इसकी जगह आइसक्रीम स्टिक्स का भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मैंने अमेज़ॉन से ली थी, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इनफैक्ट मैं जो भी मटेरियल्स यूज़ करती हूँ अपने DIYs में, उन सबका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करती हूँ। तो अब इन स्टिक्स को लेके मैं आपस में पेस्ट करूँगी और इससे मैंने एक स्क्वायर पीस बना लिया है। अब मैं कुछ और स्टिक्स लूँगी और स्क्वायर के अंदर मैं इन्हें कुछ इस तरीके से पेस्ट करूँगी ताकि एक पैटर्न बन जाए। मतलब कोई भी रैंडम पैटर्न आप बना सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि जैसा पैटर्न और जैसा शेप मैं बना रही हूँ आप भी वैसे ही बनाएं। आप कोई भी शेप पहले एक रफ़ पेपर पे बना लीजिए और उसी तरीके से स्टिक्स को इसके ऊपर पेस्ट कर दीजिए। तो यहाँ पर मैंने एक इस तरीके का शेप रेडी कर लिया है और इसी तरीके से मैं तीन और शेप बनाऊँगी, यानी कि टोटल हमें चार स्क्वायर बनाने हैं और उसके अंदर आपको जो भी शेप बनाना है वो आप बना के उसमें स्टिक्स को अरेंज कर दीजिए। और ये वाला DIY काफ़ी आसान है और काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि आप कई सारे पैटर्न्स रेडी कर सकते हैं। सिर्फ चार ही नहीं, आप ज़्यादा स्क्वायर्स भी बना सकते हैं और इन्हें वॉल डेकोर की तरह यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सिर्फ चार स्क्वायर्स बनाए हैं और इनको पेस्ट करने के लिए मैंने यूज़ किया है फेविकॉल SH का, जो कि फर्नीचर वगैरह बनाने में भी यूज़ होता है और लकड़ी वगैरह इससे बहुत ही ईजिली चिपक जाती है, बस सूखने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो हमें किस बात की जल्दी है, हम आराम से इसको टाइम देंगे और सूखने देंगे। तो स्क्वायर जो मैंने बनाया है उसको बनाने के लिए मैंने पहले दो दो स्टिक ली और दोनों को आपस में पेस्ट किया है और उन दो स्टिक से मैंने एक साइड बनाई है। अगर आपको स्क्वायर थोड़ा बड़ा चाहिए तो आप तीन तीन स्टिक्स लेके एक साइड बना सकते हैं और उससे एक बड़ा स्क्वायर भी बना सकते हैं। तो ये चारों स्क्वायर्स मैंने रेडी कर लिए हैं, अब सिंपली हम इसको ब्लैक कलर से पेंट कर देंगे। ब्लैक कलर इसलिए क्योंकि इस तरह के DIYs ब्लैक कलर में ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बाकी आपके ऊपर है कि आप कौन से कलर में इसको पेंट करना चाहते हैं। तो कम्प्लीटली मैं इस पूरे शेप को ब्लैक कलर से पेंट कर दूंगी और बाकी के जो DIYs हैं मैं उनको भी इसी तरीके से ब्लैक कलर से पेंट कर लूँगी। तो बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है और पेंटिंग में भी इसमें आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, बस एक कलर से आप इसको पूरा पेंट कर लीजिए तो बहुत ही आसानी से रेडी हो जाएगा। बस कोई भी एक कलर लेना है और इसको पेंट कर देना है और इसके बाद आप इसको वॉल पर अरेंज करिए। और वॉल पर अरेंज करने के लिए भी आप किसी भी पैटर्न में इसको अरेंज कर सकते हैं और आप वॉल पे नेल्स लगा के ईजिली इसको हैंग कर सकते हैं। वैसे मैं हर बार नेल्स नहीं ड्रिल करती हूँ वॉल पे, तो मैंने इसको मास्किंग टेप की हेल्प से वॉल पे लगाया था क्योंकि इतना ज़्यादा ये लाइट वेट है कि आसानी से ये मास्किंग टेप की हेल्प से भी आप इसको लगा सकते हैं। और ये रहा इसका फाइनल लुक। तो अब नेक्स्ट DIY तो और भी ज़्यादा इजी होने वाला है। यहाँ पे हम एक बोहो वॉल डेकोर बनाने वाले हैं।
तो इसके लिए आपको कोई भी थोड़ा सा थिक पेपर ले लेना है। मैं यहाँ पे शादी के कार्ड्स यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ये थिक भी होते हैं और दूसरी साइड से ये बिल्कुल प्लेन होते हैं। अब इसमें से मैं कुछ रैंडम शेप्स कट कर लूँगी, जैसे ट्रायंगल, रेक्टेंगल और सर्कल्स और सेमी सर्कल्स। और अब आप सिंपली कोई ब्लैक पेन ले लीजिए, ब्लैक स्केच पेन या फिर मार्कर या फिर एक्रेलिक कलर, कुछ भी जो भी आपके पास हो वो ले लीजिए। और अगेन हम रैंडम पैटर्न्स इस पर बनाएंगे। तो सारे शेप्स के ऊपर आपको कोई भी रैंडम पैटर्न जो भी आपके दिमाग में आए वो आप बना दीजिए। और इन पैटर्न्स को मैंने कुछ बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेटली और बहुत नाप तोल के नहीं बनाया है, बस बहुत ही रफली मैंने सारी चीज़ें ड्रॉ कर ली हैं। आप देख सकते हैं कि थोड़ी बहुत टेढ़ी मेढ़ी लाइन भी हैं, बट वो इस DIY के साथ काफ़ी अच्छी जा रही थी। तो बस सारे शेप्स जो हमने कट किए थे उन सबको मैं इसी तरीके से रेडी कर लूँगी कुछ रैंडम पैटर्न्स बना के। तो वैसे तो मैंने यहाँ पे वाइट कलर का पेपर यूज़ किया है, तो एक्चुअली थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर है, आप कोई भी कलर यूज़ कर सकते हैं। तो सारे पैटर्न्स ड्रॉ करने के बाद अब हम इन पीसेस को आपस में जॉइन करेंगे। उसके लिए मैं एक नीडल और थ्रेड ले रही हूँ और उसकी हेल्प से मैं इन सारे पार्ट्स को आपस में अटैच करूँगी। आप चाहें तो थ्रेड की बजाय कोई पतली रोप यूज़ कर सकते हैं और नीडल की बजाय आप सिंपली उसको पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने इसको नीडल और थ्रेड से जॉइन किया है, एक दूसरा तरीका है कि आप इसको सिंपली स्टिक कर दीजिए। तो एक टेप ले रही हूँ मैं और इन पीछे की साइड से मैं थ्रेड को इसमें सेलो टेप की हेल्प से या आप मास्किंग टेप की हेल्प से भी इसको जॉइन कर सकते हैं। तो सारे पीसेस को हम कुछ इस तरीके से जॉइन कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके का ये आगे से दिखाई देगा। अब मैं ले रही हूँ एक ये स्टिक, और ये स्टिक मेरे पास कहाँ से आई है वो उन्हें पता होगा जो मेरे वीडियोस रेगुलर देखते हैं। जिन्हें नहीं पता है वो मेरा प्रीवियस वीडियो चेक करें तो आपको पता चल जाएगा ये स्टिक मैंने कहाँ से अरेंज की है। और अब मैं इस पर रोप अटैच कर रही हूँ ताकि हम इसको हैंग कर सकें। और बीच में मैंने 3 थ्रेड्स और अटैच किए हैं और इन थ्रेड्स के साथ मैं अगेन इन पीसेस को सेलो टेप की हेल्प से चिपका दूंगी और ये रहा इसका फाइनल लुक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।